हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक यूज़फुल फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये देखिए, ये है केले का छिलका। तो यूज़ करने के बाद केले के छिलके आप फेंक देते हैं, तो इसे फेंकिए मत, चाहे पका केला हो या कच्चा केला हो। तो इन छिलकों को आप कलेक्ट कर लीजिए और फिर इन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। अब ये देखिए, छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है मैंने। तो इन्हें कट करके अब बस आपको करना ये है कि आपको इन्हें धूप दिखाना है, डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। तो ये देखिए, कुछ छिलके मैंने पहले ही रखे थे जो इसमें मिक्स कर दिए हैं। ये इसे भी थोड़ा और अभी मुझे सुखाना है। तो इस तरह से हल्का सूख जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद से प्लांट में इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से ये केले का छिलका जो है ये 3 से 4 दिन में किस तरह से पूरी तरह से सूख गया है। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है तो धूप थोड़ा कम आता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है सूखने में। तो इसे मैं अच्छे से सुखा लेना है। सुखाना इसलिए है क्योंकि जब भी हम प्लांट में इनका यूज़ करेंगे तो अगर ये अच्छे से ड्राई नहीं होंगे तो ये जो है फंगस लगने के प्लांट में चांस होते हैं। तो जब हम ड्राई कर लेंगे तो फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए, अब मैं दिखाती हूँ कि हम इनको प्लांट में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। तो जो जिस भी पॉट में आप डालना चाहते हो, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं इस समय विंटर्स के, आप सब में इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, छोटे से छोटे पॉट में भी लगा प्लांट कितनी बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र होता है बहुत ही अच्छा होता है। पहली चीज़ तो ऑर्गेनिक होता है, केमिकल युक्त नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपको आसानी से मिल भी जाता है। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ प्लांट में इस तरह से गुड़ाई करने के बाद आप बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इस तरह से देखिए आप साइड साइड में डाल दीजिए। और बस आपको करना है कि मिट्टी के अंदर इस तरह से डालिए और ऊपर से मिट्टी से इसे ढकना है। तो इसीलिए गुड़ाई जब करेंगे आप तो ये डालने के बाद से मिट्टी से इसे ढक दीजिए। ये अंदर धीरे धीरे डीकम्पोस्ट होता रहेगा और आपके प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, वैसे समय समय पर इन पौधों को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो रसायन युक्त तो मतलब खाद की यूज करने की जगह हमें जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करते रहें। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में गोबर की खाद हो गई, केचुआ खाद हो गई, पत्तों से बनी खाद, घर के वेस्ट से बनी खाद, ये सब हमें यूज करना चाहिए। ये हमारे प्लांट के लिए पर्याप्त होते हैं। फिर अलग से हमें पोटास, एनपीके, डीएपी ये सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस केले के छिलके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सब कुछ बहुत अच्छे से पाया जाता है, जो प्लांट के लिए परफेक्ट होता है। तो इसी तरह हमें लगभग अपने सभी प्लांट में इस तरह से इसे दे देना है गुड़ाई करके। और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा। समय समय पर हम इसमें प्लांट में फंगिसाइड डालते रहते हैं तो फंगस लगने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को फूड देते रहिए, बहुत ही हेल्दी बने रहेंगे, फ्लावरिंग करेंगे और खूबसूरत लगेंगे। थैंक यू।